कभी सुना है कि कोई शख्स मरने के बाद जिंदा हो सकता है? अगर नहीं तो जान लीजिए, क्योंकि मुरादाबाद में कुछ ऐसा ही हुआ है। क्योंकि कहते हैं ना कि आज की दुनिया में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो तांत्रिक विद्या पर भरोसा करते हैं। ऐसे ही एक परिवार को तांत्रिक ने उनके मृत बच्चे को जिंदा करने का दावा किया, जिसकी अंधविश्वास की चादर ओढ़कर परिवार ने भरोसा भी कर लिया, लेकिन बाद में जो हुआ वो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। मुरादाबाद में सांप के काटे जाने के बाद पुनर्जीवित होने की आस में 12 दिन तक बच्चे के शव को गड्ढे में दबाए रखा। शव से दुर्गंध आने लगी, मांस भी गलना शुरू हो गया। तांत्रिक ने परिवार को गुमराह करके बच्चे को जिंदा करने का दावा किया। अब उसने फोन उठाना ही बंद कर दिया। इसके चलते अंधविश्वास के गड्ढे में छात्र के शव की दुर्दशा हो गई। 12 दिन से गड्ढे में दबे छात्र के शव की दशा काफी खराब हो चुकी थी। उसमें से तेज दुर्गंध आ रही थी, मांस भी गलना शुरू हो गया था। परिवार वालों ने आनन फानन शव को शमशान ले जाकर अंतिम संस्कार किया।